हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पनीशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। आई एम श्वेता। सो जैसे कि हम सारे लोगों को पता है, हम सुबह में पढ़ते हैं इंग्लिश वोकैबुलरी। सो आपकी एसएससी एग्जामिनेशन हो या आपकी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन कुछ भी हो, उसके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। सो अभी तक जो है हमने पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़ लिया है सारे के सारे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, और साथ साथ जो है हमने सिनोनिम्स भी पढ़ लिया है। ओके, सो ये सब कुछ जो है हमने फिनिश कर लिया है, और आज जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं, 600 एंटोनिम्स अगेन जो आपकी प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, उसकी जो है पार्ट 8 करने वाले हैं। यानी इसका मतलब क्या है, यानी अभी तक जो है हमने 7 पार्ट्स जो है कंप्लीट कर लिया है एंटोनिम्स का। ओके, सो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। आपके पास अभी बहुत टाइम है, एसएससी का एग्ज़ाम भी जो है पोस्टपोन हो चुका है। सो आप क्या करेंगे, आपको बस कुछ नहीं करना है, अच्छे से बैठ के पढ़ाई करनी है, रिवाइज करनी है अच्छे से। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंड इससे पहले, हमारा चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड इसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए। सो यहाँ पे पहला वर्ड देख लेते हैं हम। पहला वर्ड आ गया रिप्लेसिव। सो व्हाट डज रिप्लेसिव मीन। रिप्लेसिव का मतलब होता है अरोजिंग इंटेंस डिस्टेस्ट और डिस्गस्ट। क्या हो गया रिप्लेसिव का मतलब, अरोजिंग इंटेंस डिस्टेस्ट और डिस्गस्ट। ओके, डिस्टेस्ट और डिस्गस्ट हो गया। ओके, सो आपको समझ में आ रहा है ना। सो यहाँ पे इसकी एंटोनिम यानी ऑपोजिट हो जाता है अट्रैक्टिव। सो यहाँ पे डिस्गस्ट का मतलब है कुछ डिस्गस्टिंग यानी कुछ अजीब लगना। ओके, सो यहाँ पे इसका एंटोनिम हो जाता है अट्रैक्टिव यानी अच्छा लगना। ओके, होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो आगे वर्ड देख लेते हैं, आगे आ गया हमारा आइसोलेशन। सो यहाँ पे आइसोलेशन का मतलब क्या है पहले समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ फैक्ट ऑफ आइसोलेटिंग कॉजिंग अ पर्सन और प्लेस टू बी रिमेन और अलोन और अपार्ट फ्रॉम अदर्स। सो यहाँ पे आइसोलेशन वर्ड जो है आजकल बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया है कोविड-19 की वजह से। सो आइसोलेशन का मतलब यही है कि अलोन रहना। अगर आपको लग रहा है कि आप में सिम्टम्स है कोविड-19 की, तो लोग क्या करते हैं, सेल्फ आइसोलेट कर लेते हैं अपने आप को, यानी लोगों से दूर रख के एक ही रूम में जो है वो रहते हैं, ताकि उनके वायरस जो है स्प्रेड ना हो। ओके, ये हो गया। एंड अभी इसका एंटोनिम हो जाता है एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है जाके सबसे मिलो, एसोसिएशन। ओके, आगे वाला एंटीक। एंटीक का मतलब देखते हैं हैविंग अ हाई वैल्यू बिकॉज ऑफ एज एंड क्वालिटी बिलोंगिंग टू एंशिएंट टाइम्स। सो यहाँ पे एंटीक पीस बोलते हैं ना, एंटीक पीस जो है बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, क्योंकि वो जो है ना कुछ पुराने चीज़ें होते हैं अभी जो नहीं मिलते हैं। लाइक सपोज आपको जो है कुछ मिल गया कॉइन, सोचो बहुत ही पुराना कॉइन है, कुछ किंग का है सोचो। सो वो जो है एंटीक होती है, आप जाके उसको बेच के मनी ले सकते हो, समझ रहे हो ना। थोड़ा एंटीक होती है, बोले तो उसकी प्राइस हाई होती है क्योंकि वो अभी नहीं मिलती है। ओके, सो बहुत ही पुरानी है। सो यहाँ पे इसका एंटोनिम यानी ऑपोजिट हो जाता है क्या, रीसेंट। ओके, समझ रहे हो ना सारे लोग। सो चलो देखते हैं हम आगे वाला। आगे आ गया कंटेंडर। कंटेंडर का मतलब क्या हो गया, स्ट्रगल टू सरमाउंट अ डिफिकल्टी। समझ रहे हो ना क्या हो गया, स्ट्रगल करना कुछ डिफिकल्टी को। सो यहाँ पे इसकी एंटोनिम हो जाता है डिससैटिस्फाइड। क्या हो गया, डिससैटिस्फाइड। ओके, आगे देखते हैं चायोटिक। इसका मतलब क्या हो गया, इन अ स्टेट ऑफ कंप्लीट कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर। सो पूरा ही पूरा जो है कंफ्यूजन है, नहीं तो जो है डिसऑर्डर है। ओके, ये हो गया इसका मतलब चायोटिक का मतलब। सो यहाँ पे अभी इसका एंटोनिम यानी ऑपोजिट क्या हो जाता है, ऑर्गेनाइज्ड। सो ये यहाँ पे पूरा डिसऑर्डर में था, तो यहाँ पे इसका एंटोनिम हो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइज्ड ही होगा ना, समझ रहे हो ना सारे लोग। सो आगे देखते हैं चलो। सो लिबर्टी।
लिबर्टी का मतलब क्या हो गया? द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री विदिन सोसाइटी फ्रॉम ऑप्रेसिव रिस्ट्रिक्शंस opposed imposed by authority on one's behavior or political views. So यहाँ पर liberty का मतलब पता ही है ना सारे लोगों को, कुछ भी restrictions नहीं है आपको. Okay, so ये जो है आप जैसे चाहे वैसे जो है अच्छे से रह सकते हो, behave कर सकते हो. Okay, ये हो गया liberty. Okay, so यहाँ पर इसका antonym क्या हो जाता है? वो हो जाता है bondage. ओके राइट एवरीवन, समझ में आ रहा है ना सारे लोगों को? ध्यान से पढ़ो. ओके एंड नोट डाउन कर लो. अभी आपके पास तो बहुत समय है ना, तो आप क्या करेंगे? अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना आपके लिए कितना अच्छा रहेगा बताओ मुझे. सो प्लीज़ करके नोट डाउन कर लो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है आपके लिए. ओके सो यहाँ पर कॉशियस, कॉशियस का मतलब क्या हो गया? केयरफुल टू अवॉइड पोटेंशियल प्रॉब्लम्स और डेंजर. क्या हो गया इसका मतलब? कॉशियस का केयरफुल टू अवॉइड पोटेंशियल प्रॉब्लम्स और डेंजर्स. सो यहाँ पे आप देखिए, देखा होगा कहीं पे जो है डेंजर प्लेस होता है वहाँ पे कॉशियस बोल के लिखा रहता है. ओके सो यहाँ पे इसका एंटोनिम हो जाता है रेकलेस. ओके राइट एवरीवन, यानी केयरफुल नहीं रहना. ओके राइट, सो आगे देखते हैं चलो. इंडोलेंट, इनडोलेंट का मतलब क्या हो गया? वांटिंग टू अवॉइड एक्टिविटी और एक्सर्शन. लेजी यानी कुछ अवॉइड कर रहे हो, कुछ एक्टिविटीज़ को आप लेजी रह रहे हो. सो इसका मतलब हो जाता है इनडोलेंट का मतलब. ओके राइट एवरीवन, समझ रहे हो ना? सो अभी इसका एंटोनिम क्या हो जाता है? डिलीजेंट हो जाता है. ओके समझ रहे हो ना सारे लोग? से चलो देखते हम आगे वाला. सो कोहेरेंट का मतलब क्या हो जाता है? लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट. क्या हो गया? लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट हो गया कोहेरेंट का मतलब. सो यहाँ पे इसका एंटोनिम क्या हो जाता है? डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है. क्या हो जाता है? डिसऑर्गेनाइज्ड. ओके सो यहाँ पे ब्रूटल आ गया. ब्रूटल का मतलब क्या हो गया? सैवेजली वॉयलेंट. ओके यानी बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट. सो इसका एंटोनिम यानी ऑपोजिट हो जाता है ह्यूमन. ओके ह्यूमन का मतलब जो वॉयलेंट नहीं है. ओके सो मलाइस, मलाइस का मतलब क्या होगा? द डिज़ायर टू हार्म समवन इल विल यानी किसी को नुकसान पहुंचाने की जो है आप इच्छा रखते हो अगर, तो उसका मतलब होता है मलाइस. ओके समझ रहे हो ना? सो यहाँ पे इसकी एंटोनिम हो जाता है गुडविल. ओके राइट एवरीवन, समझ रहे हो ना सारे लोग? सो चलो देखते हैं हम आगे वाला. सो जीनियल, जीनियल का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली एंड चीयरफुल. क्या हो गया? फ्रेंडली एंड चीयरफुल. सो इसकी एंटोनिम यानी ऑपोजिट हो जाती है क्या? हॉस्टाइल. ओके राइट एवरीवन, समझ रहे हो ना सारे लोग? सो आगे देखते हैं. सो एमिनियंट, एमिनियंट का मतलब क्या हो गया? फेमस एंड रेस्पेक्टेड विद इन ए पर्टिकुलर स्पीयर. सो कुछ स्पीयर है, स्पीयर मतलब सोचो कुछ प्रोफेशन है. सपोज आपको ज़्यादा हिंदी आती है तो उस स्पीयर में जो है आप बहुत ही ज़्यादा फेमस हो, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्टेड हो. ओके ये हो जाता है. ओके सो अभी इसका एंटोनिम हो जाता है इग्नोरेंट. क्या हो गया? इग्नोरेंट. ओके सो आगे देखते हैं चलो. लिबरेशन, अभी लिबरेशन का मतलब क्या हो गया? द एक्ट ऑफ सेटिंग समवन फ्री फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट स्लेवरी और ऑपरेशन और रिलीज. ओके क्या हो गया? लिबर्टी पर लिया ना हमने. सो सेम इसी तरह का जो है मीनिंग है इसका भी. ओके सो यहाँ पे सेम इसका भी एंटोनिम हो जाता है बॉन्डेज. ओके राइट एवरीवन, समझ रहे हो ना सारे लोग? सो ध्यान से इधर पढ़ो. ओके सो क्रूएल, नेक्स्ट आ गया क्रूएल. क्रूएल का मतलब क्या हो गया? विलफुली कॉजिंग पेन और सफरिंग टू अदर्स और फीलिंग नो कंसर्न अबाउट इट. सो किसी को जो है आप पेन दे रहे हो या किसी की फीलिंग्स की कंसर्न नहीं है आपको, सो ये हो जाता है क्रूएल. ओके सो यहाँ पे इसका एंटोनिम हो जाता है काइंड. ओके राइट एवरीवन, समझ रहे हो ना? सो आगे देखते हैं आगे हमारा पेसिमिस्ट. सो ये तो एस एस सी का फेवरेट वर्ड है, पैसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, आर्टिस्ट, ये सारे जो है एस एस सी के फेवरेट वर्ड्स है. बहुत बार पूछा गया है एस एस सी एग्जामिनेशन ने. अभी पैसिमिस्ट का मतलब है
अ पर्सन हु एक्सपेक्ट द वर्स्ट एंड एवरीथिंग, यानी जो हमेशा जो है नेगेटिव सोचता है, ओके ये हो जाता है पेसिमिस्ट। अभी ऑप्टिमिस्ट वो होता है जो हमेशा जो है पॉजिटिव सोचता है, हमेशा अच्छा हो सोचता है, ओके वो होता है ऑप्टिमिस्ट। ओके राइट एवरीवन, ये स्टामा करके लिख लेना, ओके बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके नेक्स्ट आ गया कम्राट। सो इसका मतलब क्या हो गया, कोलीग और फेलो मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कोलीग हो सो उसको जो है ये बोला जाता है। अभी इसका एंटोनिम हो जाता है एनिमी। ओके कैलुलस, इसका मतलब क्या हो गया, कैलस। ओके शोइंग और हैविंग एन इनसेंसिटिव एंड क्रूएल डिसरिगार्ड फॉर अदर्स। ओके जो इनसेंसिटिव है, क्रूएल है दूसरों के लिए, हो जाता है। ओके सो अभी इसके एंटोनिम हो जाता है कंसर्न्ड। ओके राइट एवरीवन, सो आगे चलते हैं। आगे आ गया हमारा स्टिंगी। अभी स्टिंगी का मतलब क्या हो गया, मीन एंड जेनरस हो गया। सो एंड जेनरस का ऑपोजिट हो जाती है जेनरस। ओके स्टिंगी का एंटोनिम हो गया जेनरस। ओके राइट एवरीवन, समझ रहे हो ना सारे लोग। सो चलो देखते हैं हम आगे वाला। बैरन आ गया। बैरन का मतलब क्या हो जाता है, टू पुअर टू प्रोड्यूस मच और एनी वेजिटेशन। सो नॉर्मली जो है सॉइल को जो बोला जाता है, वहाँ पे जो है कुछ वेजिटेशन नहीं हो सकती है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पुअर है, किस में, फर्टिलिटी में। ओके सो यहाँ पे इसका एंटोनिम हो जाता है फर्टाइल। ओके समझ रहे हो ना। सो आगे चलते हैं हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब क्या हो गया, शोइंग और फीलिंग ऑपोजिशन और डिसलाइक, अनफ्रेंडली हो गया इसका मतलब। सो अभी इसका एंटोनिम हो जाता है सिंपैथेटिक। क्या हो गया, सिंपैथेटिक। ओके राइट एवरीवन, सो आगे चले क्या चलते हैं देखते हैं आगे वाला पैरल। इसका मतलब क्या हो गया, सीरियस एंड इमीडिएट डेंजर। क्या हो गया, सीरियस एंड इमीडिएट डेंजर हो गया। ओके सो अभी इसका एंटोनिम हो जाती है सेफ्टी। ओके राइट एवरीवन, सो समझ रहे हो ना। आगे देखते हैं स्टेशनरी। इसका मतलब क्या हो गया, नॉट मूविंग और नॉट इंडेंटेड टू बी मूव्ड। ओके अब इसके एंटोनिम हो जाता है मूविंग। ओके सो एग्रेसिव आ गया नेक्स्ट वर्ड। एग्रेसिव का मतलब क्या हो गया, रेडी और लाइकली टू अटैक और कन्फ्रंट, कैरेक्टराइज्ड और बाय रिजल्टिंग फ्रॉम एग्रेशन हो गया इसका मतलब। और यहाँ पे ये सब कुछ इतना अटैकिंग, रिजल्टिंग, एग्रीगेशन, सो अभी इसका एंटोनिम क्या हो सकती है, पीसफुली हो सकती है, हाँ कि नहीं। सो एग्रेसिव का हो गया पीसफुल एंटोनिम। ओके सो आगे देखते हैं डॉल्फुल। डॉल्फुल का मतलब हो गया एक्सप्रेसिंग सॉरो और मॉर्नफुल। ओके सॉरो जो है आप दिखा रहे हो नहीं तो, मॉर्नफुल का मतलब हो जाती है कुछ आवाज़ें निकालना। ओके सो यहाँ पे इसका एंटोनिम हो जाता है चीयरफुल। ओके राइट एवरीवन, आगे देखते हैं ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब क्या हो गया, ब्लॉक एन ओपनिंग पाथ रोड एक्सेट्रा और बी और गेट इन द वे ऑफ, कुछ ब्लॉक कर रहे हो रोड या कुछ किस चीज़ की ओपनिंग या रोड हो, कुछ पाथ हो उसको जो है ब्लॉक किया गया है, नहीं तो जो है रास्ते में आया गया है। ओके ये होती है अब्स्ट्रैक्ट का मतलब। अभी इसकी एंटोनिम हो जाती है क्लियर। ओके राइट एवरीवन, सो आगे देखते हैं एनकरेज्ड। एनकरेज का मतलब क्या हो गया, गिव सपोर्ट कॉन्फिडेंस और होप टू समवन। ओके सो इसका मतलब क्या हो गया, डिस्करेज्ड हो गया। ओके एंटोनिम हो जाता है डिस्करेज, यानी अभी जो है आप कॉन्फिडेंस दे रहे हो किसी को तो इसकी, एनकरेज कर रहे हो तो इसकी ऑपोजिट क्या हो जाती है, डिस्करेज्ड। ओके सो चलो देखते हैं हम आगे वाला नेक। इसका मतलब क्या होना हो गया, एन अक्वायर्ड और नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग। क्या हो गया, एन अक्वायर्ड और नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग। ओके सो कुछ नेचुरली स्किल है आपको कुछ करने की, उसको बोलते हैं नैक। एंड अभी इसकी एंटोनिम हो जाती है इनएबिलिटी। ओके सो आगे देखते हैं, आगे आ गया हमारा अल्ट्रस्टिक। अल्ट्रस्टिक का मतलब देखो, शोइंग दिस इंटरेस्ट एंड सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेल बीइंग ऑफ अदर्स और सेल्फिश हो जाता है।
सॉइल ड्रास्टिक का मतलब तो मैं आपको बहुत पहले समझा चुकी हूँ, बहुत ही बार पढ़ चुके हैं। ये भी जो है SSC का फेवरेट वर्ड है, बहुत ही बार पूछा जाता है। सो आपको क्या करना है, इसको याद रख लेनी चाहिए। ओके, स्टैमा कर लेना। इसका मतलब जो होती है किसी के लिए जो कंसर्न नहीं है उसकी फीलिंग्स के लिए, कुछ भी जो है ओके अपने बारे में जो है सोचता है। सो यहाँ पे इसका ये मैं गलत समझा रही हूँ, सॉरी, मैं कुछ और वर्ड सोची थी, बट यहाँ पे देखो इसका मतलब हो जाती है अनसेल्फिश। ओके, सो यहाँ पे एंजोनिम हो गया सेल्फिश। ओके, सो मैं कुछ और वर्ड सोच लिया, ओके, कंफ्यूजन हो गई थी, दैट्स ओके। सो आगे देखते हैं, इनहेल। इनहेल का मतलब हो गया ब्रीथ इन एयर, गैस, स्मोक एक्सेट्रा, कुछ भी हो। सो इनहेल का मतलब जो है सांस अंदर लेने को बोलते हैं। अगर आप प्राणायाम सीखते हो तो आपकी टीचर क्या बोलती है, इनहेल करो। इनहेल का मतलब क्या होती है, सांस को अंदर लेना। ओके, सो अब इसका ऑपोजिट क्या हो जाता है, सांस को बाहर करना, वो होती है एक्सहेल करना, इनहेल एंड एक्सहेल। ओके, राइट एवरीवन, समझ रहे हो ना सारे लोग, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे वर्ड्स थे। ओके, सो हमने जो है 30 वर्ड्स पढ़ लिया है आज एंटोनिम्स। सो आपको क्या करना है, अच्छे से नोट डाउन कर लो, अच्छे से पढ़ाई करो, आपके पास इतना ज़्यादा टाइम है, तो इसको जो है यूटिलाइज़ करेंगे हम अच्छे से। ओके, सो आपका सिलेक्शन गारंटीड है अगर आज से लेके आप 4 घंटे जो है डेली पढ़ते हो तो। ओके, राइट एवरीवन, समझो बात को। ओके, सो विद दिस आई रैप अप। अगर आपको मेरी ये सेशन पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। बाय बाय।